नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और इस कामना के साथ आज का ये वीडियो मैं स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, मकर संक्रांति आने वाला है जैसा कि हम सभी जानते हैं और मकर संक्रांति हमारे में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। हमारे धर्मों में इस मकर संक्रांति का खास तौर पर महत्व भी है। इस दिन से जो है ना, सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर प्रवेश करते हैं, यानी कि धनु राशि से मकर राशि में इनका प्रवेश होता है, इसलिए ये खास और भी ज़्यादा होता है। इस दिन से हमारे धर्मों में, हमारे शास्त्रों में भी इस बात का जिक्र है, जितने भी शुभ कार्य होते हैं, चाहे वो गृह प्रवेश हो या फिर घर के पूजा पाठ हो, कोई भी हवन आप करवा सकते हैं या फिर कोई भी मांगलिक कार्य, भूमि पूजन हो या फिर किसी को आप जो है दान दक्षिणा कुछ भी करना चाहते हो, तो मकर संक्रांति के दिन से ये शुरुआत हो जाता है। कोई भी शुभ कार्य आप इस दिन के बाद से शुरू कर सकते हैं, इसलिए हमारे शास्त्रों में मकर संक्रांति खास तौर पर बहुत अहमियत रखता है। मकर संक्रांति के दिन 14 दीप दान यदि आप करते हैं तो समझ लें कि आपकी जो भी मनोकामना है वो तुरंत ही पूरी होती है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि दीप दान किस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि इसका जो दीपक लगाया जाता है वो खास होता है, खास तौर पर इसके दीपक को लगाने का प्रावधान है। आमतौर पर हम घरों में जो पूजा पाठ करते हैं और उस दौरान जो दीप प्रज्वलित करते हैं, इनका जो दीपक लगाया जाता है वो थोड़ा सा अलग लगाया जाता है। साथ ही ये भी बताने वाली हूँ कि मकर संक्रांति के दिन ये जो 14 दीप दान होते हैं, इन्हें कहाँ कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ कहाँ ये दान करना चाहिए, ताकि आपके जो भी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, वो आपकी तुरंत ही पूरी हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करने से पहले, यदि आज का आपको ये कंटेंट पसंद आता हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही लें, ताकि इसमें जितने भी और भी नए नए वीडियोस मैं अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएगा। तो आइए, देरी नहीं करते हैं और जानते हैं दीपदान क्यों करना चाहिए और कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप चाहें तो दीपदान किसी भी चीज़ का कर सकते हैं, धातु का भी आप दीपक ले सकते हैं और मिट्टी का भी दीपक ले सकते हैं, जैसे आपका शक्ति है। जैसे कि मैं मोस्टली जो है ना, वो मिट्टी का दीपक ही दान करती हूँ, पीतल के दीपक दान नहीं करती हूँ। यदि आपके पास पुराना कोई दीपक हो तो उसको भी आप धुलकर इस्तेमाल में कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी का दीपक इस्तेमाल दोबारा नहीं किया जाता है। मिट्टी के दीपक को दोबारा आप दान के लिए या फिर दीप दान के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दीपक जो हम मिट्टी का ये इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले उसमें बाती जो होनी चाहिए वो लाल बाती हम इस्तेमाल कर सकते हैं और रुई की भी बाती हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए बाती में कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको जो तेल, इसमें ध्यान रखना है कि जो 14 दीप दान किए जाते हैं, ये विशेष तौर पर तिल के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मकर संक्रांति के दिन जो दीपक इस्तेमाल किया जाता है, दीप दान जो किया जाता है, उसमें जो तेल हम डालते हैं वो तिल के तेल का इस्तेमाल होता है। अगर किसी भी कारणवश आप तिल का तेल इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हों या फिर आपके पास नहीं है, तो ऐसे में आप सरसों के तेल का भी दीपक लगा सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना होता है कि जब आप सरसों के तेल को डाल लें तो उसके बाद सभी दीपक में थोड़े थोड़े से तिल जरूर डालें, क्योंकि तिल संक्रांत है, मकर संक्रांति है, तो तिल तो हर हाल में दान करना आवश्यक होता है। तो मकर संक्रांति के दिन तिल जरूर डालें दीपक में। उसके बाद आप जो भी दीपक में ऑयल, जो भी आप चीज़ से प्रज्वलित करना चाहते हैं उसे कर सकते हैं। अब इसके साथ हम जानते हैं कि ये 14 दीपदान हमें कहाँ कहाँ करना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारे घर के ठाकुर जी हैं, जो हमारे घर का मंदिर है, सबसे पहला दीप दान तो हमें वहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे घर का मुख्य स्थान है, हमारे ठाकुर जी का वहां पर स्थान है। तो सबसे पहला दीप दान हमें घर के अपने मंदिर में करना चाहिए। दूसरा जो दीप दान होता है वो तुलसी मैया के पास होता है, जो हमारे घर का आंगन होता है, जहाँ पर तुलसी जी की हम तुलसा रखते हैं, वहाँ पर दूसरा दीपक हमें लगाना चाहिए। तीसरा दीपक जो हम दान करेंगे वो घर की दहलीज पर करते हैं, जो घर का मुख्य द्वार होता है वहाँ पे किया जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी का प्रवेश वहीं से होता है और किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश वहाँ से करती है। वहाँ पे ये दीपक लगाने से क्या होता है, माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा जो है हमारे घर में प्रवेश नहीं करती हैं। चौथा दीपक हमें घर की रसोई में लगाना है, जहाँ पे सभी लोगों का भोजन पकता है, वो जगह हमारे लिए बहुत ही खास है, बहुत अहमियत रखती है, तो
तो चौथा दीपक आप ध्यान रखें कि हमें घर की रसोई में लगाना है। पांचवा दीपक हमें सबसे पहले माँ गंगा जी के नाम से लगाना है। यदि आसपास गंगा जी बहती हो, गंगा माँ का नदी है वहाँ आसपास, तब तो कोई बात नहीं, आप जाकर लगा लें। और यदि बाई चांस किसी भी कारण से आपके घर के आसपास माँ गंगा नहीं हो, तो ऐसे में आप घर में ही गंगा दीपक लगा सकते हैं। गंगा दीपक का खास महत्व भी होता है इस दिन, क्योंकि लोग इस दिन गंगा स्नान भी करते हैं, तो गंगा स्नान और गंगा दीप का खास महत्व होता है। तो गंगा स्नान के बाद ही दीपक कैसे लगाया जाता है या फिर गंगा दीप किस तरीके से हमें लगाना चाहिए वो भी बता देती हूँ। आप क्या कर लें, घर में ही एक किसी भी अच्छी थाली में, साफ सुथरी थाली को ले लें, उसमें स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक बनाने के बाद उस थाली में अच्छी तरह से जल, जो स्वच्छ जल है, आप उसे भर लें। और भरने के बाद उसमें आप गंगा माँ का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए उसमें आप दीपक को लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही शॉर्टकट तरीका है, लेकिन आप इसे कर सकते हैं। छठा दीपक हमें आंवले के पेड़ के नीचे लगाना है। अगर आसपास आंवला नहीं है तो ऐसे में हम क्या करेंगे, अगर आंवला नहीं है आपके घर के आसपास, वैसे तो घर के आसपास जो भी मंदिर होता है उसमें पवित्र पौधे मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपके घर के आसपास आंवले का पेड़ नहीं है तो ऐसे में आप उसका ध्यान करके आप लगा सकते हैं। सातवां दीपक आपको कदम के पेड़ के नीचे लगाना है। आप सभी जानते हैं कदम का पेड़ बहुत ही विरले मिलता है, लेकिन कदम का पेड़ को मनोकामना पूर्ति का पौधा भी माना जाता है। तो कदम का पेड़ बहुत ही खास है, आपकी जो भी मनोकामना, जो भी विश है वो तुरंत ही पूरी होती है। इसलिए कदम के पेड़ के नीचे दीपक तो जरूर ही लगाएं। और बाई चांस नहीं मिलता है तो वैसे ही घर के किसी भी स्थान पर, जो पवित्र स्थान है वहाँ पर आप उसका ध्यान करके दीपक लगा सकते हैं। आठवां दीपक आपको किसी भी मंदिर में लगाना है, किसी भी देवालय में लगाना है, जो भी पवित्र देवालय आपके आसपास हो वहाँ पर आप आठवां दीपक को लगा लें। नौवां दीपक हमें किसी भी शिवालय में लगाना है, क्योंकि भगवान शिव के तो इस सृष्टि की कल्पना ही नहीं की जा सकती है, तो आप उनके पास जरूर लगाएं, ताकि आपके मन की जो भी इच्छा है भोलेनाथ तुरंत ही समझ जाते हैं भक्तों की हर मन की बात को, तो वहाँ पर जरूर लगाएं, बहुत ही अच्छा होता है। दसवां दीपक हमें किसी भी ऐसे स्थान पे लगाना है जहाँ पे गाय बंधी होती है, गौशाला होती है, चाहे वहाँ पे गाय हो या ना हो, लेकिन आपको वहाँ पे अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि गौशाला को हमारे धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि गाय वहाँ पे हो तभी आप लगाएं, यदि गाय हो तो थोड़ा सा दूरी बनाकर ही लगाएं, ताकि गाय जो है उस अग्नि से किसी भी तरह से डरे नहीं, प्रभावित ना हो या फिर किसी भी तरह का भय ना हो, तो ऐसी जगह पे आप लगाएं दसवां दीपक। दोस्तों, ये ग्यारहवां दीपक हमें पीपल के वृक्ष के नीचे लगाना है। आप सभी जानते हैं कि पीपल के वृक्ष को कितना ज़्यादा अहमियत दिया जाता है और इस पर सभी देवी देवताओं का वास होता है, तो आप एक ही जगह यदि दीपक लगाते हैं तो आपकी सारी विशेष या फिर जो भी आपकी इच्छा है वो तुरंत ही पूरी होती है। जो बारहवां दीपक लगाना है वो किसी भी वट वृक्ष के नीचे लगाना है। वट वृक्ष के नीचे हम सभी जानते हैं वट सावित्री की पूजा होती है। वट सावित्री का पूजा, यानी आप समझ ले कि उस वट वृक्ष के नीचे आप यदि दीपदान करते हैं तो आपको कितने जन्मों के पुण्य की प्राप्ति होती है, तो इसलिए वट के वृक्ष के नीचे इस दिन दीपदान तो जरूर ही करें। दोस्तों, तेरहवां दीपक हमें जो लगाना है वो अशोक पेड़ के नीचे लगाना है। अशोक पेड़ के नीचे माता सीता बैठी रहती थी और उनकी जो भी विशेष होती थी या फिर जो भी उनकी इच्छा होती थी वो भगवान राम जो है ना बिन बोले ही समझ जाते थे, तो समझ जाएं आप भी इस बात को, अशोक का पेड़ कितना पवित्र होता है, इसलिए अशोक के पेड़ के नीचे दीपक अवश्य लगाएं। दोस्तों, चौदहवां और सबसे लास्ट जो दीपक होता है उसे हमें दान करना चाहिए किसी भी ऐसे पौधे के नीचे जो बेलपत्र का पेड़ हो, जिनमें फल आते हों। आपको ध्यान रखना है उस पौधे में फल आते हों, वैसा दीपदान खास अहमियत रखता है, ज़्यादा फल तब फूलता है। तो इन 14 दीपदानों को तो आप अवश्य करें, और यदि आपके मन में किसी भी तरह की मनोकामना है या कोई भी आपकी विशेष है जो आप चाहते हो कि भगवान भोलेनाथ या फिर सूर्य भगवान आपकी किसी भी प्रार्थना को स्वीकार करें या आपकी कोई भी मन्नत है, तो खास रखें आपको कैसा दीपक जलाना चाहिए ये भी बता देती हूँ। ऐसे में आपको 14 आटे के दीपक बनाने हैं, मिट्टी का दीपक भी इस्तेमाल में नहीं लेना है। यदि आपकी खास कोई मन्नत है तो आप आटे का दीपक को बना लें और उसके बाद उसका आप दीपदान करें।
दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की जितनी भी मैंने जानकारी दी है, जो विधि मैंने आपसे बताई है, वो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। और यदि आज की ये जानकारी आप सभी को काम की लगे, पसंद आई हो, तो इसे फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा सके। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।